दोस्तों, आज हम इस मशीन के अंदर स्कैनिंग देखेंगे कि स्कैनिंग कैसे करते हैं इमेज रनर 2002N कैनन मशीन के अंदर। तो सर, इसके लिए आपको सबसे पहले कैनन के ड्राइवर्स इंस्टॉल करना होंगे आपके कंप्यूटर के अंदर। ये उसकी सीडी है जो इस मशीन के साथ आती है। उसके बाद एक केबल आप इसमें लगा देंगे, यहाँ पर ये केबल लगा हुआ है और ये केबल कंप्यूटर के USB पोर्ट में लगा हुआ है। सबसे पहले हम अब इसका जो स्कैनर है, इसके अंदर कोई कॉपी या पेज या आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप इसमें रखेंगे जो स्कैन हमको करना है, ये मैंने यहाँ पर रख दिया हूँ। इस मशीन की ख़ास बात यह है, आप इसमें A3 तक के पेजेस स्कैन कर सकते हैं। अगर इतना बड़ा भी आपका कोई पेज होता है तो आप इसको आसानी के साथ इसमें स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आप देख रहे हैं इस डिस्प्ले के ऊपर कि यहाँ पर एक बटन है स्कैन, इसको आप प्रेस करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर और रिमोट स्कैनर, तो हम कंप्यूटर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर 3-4 ऑप्शन आ रहे हैं कि कलर स्कैन है, ब्लैक एंड वाइट है, कस्टम है, कस्टम टू है, लेकिन हम यहाँ पर कलर स्कैन को सिलेक्ट करेंगे। ओके, अब यहाँ पर हमने स्कैन बटन को क्लिक कर दिया। अब देखिए, अब यहाँ पर स्कैनिंग शुरू हो गई है। अब हम इसको कंप्यूटर स्क्रीन पर देखेंगे, यहाँ पर स्कैनिंग हो रही है। स्कैनिंग होने के बाद हम उसी मशीन की तरफ आएंगे और यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे स्टोर एंड फिनिश, इस बटन के ऊपर हम इसको क्लिक कर देंगे। दोस्तों, ये हमारी स्कैनिंग जो हमने यहाँ पर एक कॉपी किए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये दिख रही है, ये बुक हमने अभी स्कैन किया है इसके अंदर। तो आसानी के साथ हम कोई भी पेजेस को इस मशीन के अंदर स्कैन कर सकते हैं। ये इसका बहुत ही अच्छा फंक्शन, क्लियरिटी वगैरह इसमें बहुत अच्छी है और आसानी के साथ हम इसको कंप्यूटर से अटैच कर सकते हैं और स्कैनिंग कर सकते हैं।